शिव की गेम है, काफी कमाल की गेम है। मराठी बिग बॉस में भी उन्होंने काफी कमाल नजर आए थे, वो ही छाप हिंदी बिग बॉस में है। हाँ। और कोई भी रियलिटी रोडीज की भी बात करूँ, जिस तरह की छाप आज भी हम देखते हो सारी क्लिप्स, और इतना प्यार मिलता है। शिव ठाकरे को मराठी में एक पहचान थी, अब धीरे धीरे हिंदी में भी पहचान, धीरे धीरे नहीं मैं बोलना चाहूंगा, इतना प्यार मिल रहा है उनको। बाहर मैं देखता हूँ शिव ठाकरे शिव ठाकरे शिव ठाकरे, एज अ मदर कितना ब्लेस फील होता है, कितनी कितनी अच्छा लगता है, कितना प्यार लगता है, इतना प्यार मिला, कितना अच्छा। तो बोल नहीं सकती मैं, इतनी खुशी हो रही मेरे को सब टक्का, कि शिव ने जो सोचा था वो इतना फास्ट में हो गया उसका, कि नंबर भी उसका 2 दिन में लग गया। और जो भारत में उसकी देखना था उसको, तो वो भी हो गई इच्छा पूरी, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। कभी बातचीत हुई थी आपको, जिस तरह से आपने बोला नंबर काफी जल्दी लगा, तो आपकी क्या बात हुई थी? नहीं, मेरे को मालूम है ना, तो घर में जो उसने जो पोस्टर लगाए, सलमान भाई का फोटो लगाया ऊपर, और रोज़ पहले गणपति बप्पा का दर्शन लेता था, सुबह उठ के 10 मिनट ध्यान करता था, और बाद में वो जो पेपर लगे है बिग बॉस विनर शिव ठाकरे सलमान भाई का फोटो ऊपर, दर्शन लेता था रोज़ सोने के टाइम, उठने के टाइम, दोपहर के टाइम, वो सोता ही नहीं था, रात रात तक सोने नंबर लगने के लिए रात रात तक विचार करता था। मैं क्या करूँ, मैं ध्यान करने उठी ना 3:30 बजे, तो अपन भी ध्यान करने उठता था, 5 मिनट करता था सोता, तो उसका भगवान पर ज़्यादा विश्वास है, इसीलिए उसका नंबर जल्दी लग गया। कितना विश्वास हो रहा है कि उस सारी तस्वीर में एक बिग बॉस की चमचमाती तस्वीर की भी पोस्टर लगने वाला है, कितना ही विश्वास हो रहा है? 100% विश्वास है मेरा कि वो चमचमाती पोस्टर लगने वाली है, लगेंगी, इतना पक्का विश्वास है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह का गेम, जिस तरह गेम वो खेल रहे, क्या क्या उम्मीद है उस गेम से? अटैकिंग गेम है, डिफेंसिव गेम है, कि जिस तरह शिव ठाकरे ने मराठी में गेम खेली थी, सेम गेम खेल रहे? सेम ओरिजिनल गेम खेल रहा, दिल से खेल रहा, किसी के दुश्मनी दिल में रख के नहीं खेल रहा, जो उससे कुछ भी सोच रखे उसके बारे में, पर फिर भी वो उसके साथ जाके बात करेगा, ऐसा वो गेम खेल रहा, सबको मिलके खेल रहा। शिव ठाकरे की एक बात काफी कॉमन है, काफी अच्छी लगती है, लोगों को काफी पसंद है, कि वो दोस्त अच्छे से बनाते, जिस तरह दोस्ती उन्होंने बनाई के साथ हुई, साजिद भाई के साथ जो दोस्ती और जो बॉन्ड लगता है, बट आपको क्या लगता है कि शिव ठाकरे का उस घर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई नहीं उसका दुश्मन, वो ही सबका दुश्मन होगा, पर उसका दुश्मन कोई नहीं है। नहीं, नहीं। उनका दुश्मन कौन है, अगर कोई लगता आपको कि ये इसको शिव से थोड़ा दूर रहना चाहिए? नहीं, किसी से दूर नहीं रहना चाहिए, सबसे पंगा लेना चाहिए, तब तो वो पक्का बनेगा ना। फिलहाल जिस तरह फाइनल है, काफी नजदीक आ रहा है फाइनल, क्या लगता है आपको कि अगर फाइनल की ट्रॉफी अगर नहीं जीतते, सपोज मैं नहीं चाहता शिव जीते, मैं चाहता हूँ शिव जीते, बट अगर शिव नहीं भी जीतते, तो अगर वो बाहर आते घर के बाहर, तो कोई आपको राय देना हो तो किस तरह की? नहीं, फिर भी खुश है वो, नहीं जीते, जीतेगा तो सही, पर नहीं जीते फिर भी वो खुश है, इसको इतने कि मैं वो इसमें ट्रॉफी जैसा खुश होऊंगा कि ऑडियंस ने मेरे को कितनी साथ दी है, किसने दिल में जगह की है, बिठाया है, मेरे लिए कितनी मेहनत की है, इसी बारे में खुश था। मराठी के टाइम उसको जब घर से आया ना, तो ट्रॉफी से ज़्यादा उसको इतनी खुशी हो गई कि जो लोगों के दिल में उसमें जगह है, क्या किया, बिग बॉस की रंगोली निकालना, नाचना, उड़ना, खेलना, नागपुर में भी ऐसा ही हुआ, जहाँ जाएंगे अभी भी 3 साल से चालू है, हमारे घर को लाइन लगती है, तो इससे बहुत ज़्यादा खुश होता। नागपुर में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? नागपुर में भी वैसा ही है, बहुत 100% लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसके परिवार वाले, भाईचारा सब, जो ऑडियंस परिवार वाले, ऐसे इधर के परिवार वाले नहीं, देश रहो, विदेश रहो, इंडिया रहो, सबका प्यार मिलने के बाद भी ज़्यादा खुश होगा वो, इससे ज़्यादा खुश हो गया था मराठी बिग बॉस में। पर जिस तरह प्रियंका का नाम आपने लिया था, जब आपको बुलाया था बिग बॉस के घर पे, प्रियंका का नाम आपने लिया था, प्रियंका के भाई भी बैठे थे जब शुरुआत, सलमान भाई ने जब आप? नहीं नहीं, प्रियंका का भाई नहीं था, प्रियंका का भाई अर्चना का भाई था। ठीक है, तो आपने प्रियंका का नाम लिया था उस? नहीं, पूछा था मेरे, सलमान भाई पूछा था मेरे को, तब मैंने बोला कौन भारी है, तो मैंने बोला सबसे ज्यादा तो शिव भारी है सबको,
इतना ही बोला। पर शिव पे आपको क्या लगता है कि शिव पे कौन भारी होगा अगर कोई उनके शिव पे कोई भारी नहीं फिर भी दोनों नाम लेने पड़े तो मैं लिया मैंने प्रियंका का अर्चना। आपने प्रियंका का नाम क्यों लिया क्या लगता था आपको? थोड़े से इसके साथ जो उसकी कंप्यूटर है तो इसीलिए लिया, नहीं तो शिव से कोई भारी नहीं है, शिव अकेला ही भारी है। शिव किसी की सुनता ही नहीं है, किसी को शिव को कोई सलाह भी देता नहीं है, किसी की सलाह भी सुनता उसको समझता किसी से कौन सा आरोप कौन सा ऑब्जेक्शन कब आएगा लड़कियों से, तो इसलिए वो बच के रह रहा व्यवस्थित रह रहा। तो मेरे को बोलने की ज़रूरत है, उसको हिम्मत फक्त इतनी होना घर जाने के बाद कि तू अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेल, बाहर का मत देख, बस हो गया। नहीं कुछ नहीं कभी बातचीत नहीं हुई कभी नहीं। बट अगर आपको अगर बातचीत करने का एक टास्क रहता है बिग बॉस के घर पे, जब हमेशा हर साल होता है जब परिवार वाले जाते घर पे बातचीत करते डायरेक्ट वन ऑन वन बात करते, क्या वो तीन चीजें या फिर दो चीजें आप अगर आपको बताना हो कि शिव को आप जाते बिठाते साइड में बैठते शिव और आप ही बैठते, क्या बोलते आप उनको? कुछ नहीं बोलूंगी, अच्छा खेल रहा अच्छा खेल, बाहर की चिंता मत कर, अपनी शोकेस की जगह है वो भरेंगी, बस इतना बोलूंगी मैं उसको। बाकी और किसी से कि नहीं कोई परिवार वाले की दोस्ती तोड़ कि प्रियंका के मत जा, ऐसा नहीं बोलूंगी। अब्दू के साथ काफी अच्छी दोस्ती, बहुत बहुत बहुत। साजिद के साथ जिस तरह उनको ग्रुप नजर आ रहा है क्या लगता है एक एक एंड से उनको ग्रुप के अलावा भी गेम खेलनी चाहिए उनकी अलग से जो? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ग्रुप में रह के वो खुश रहेगा और टिक सकेगा, नहीं तो ग्रुप छोड़ के वो बीमार पड़ेगा, क्योंकि खेलता तो वो अकेला ही पर उसको मस्ती चाहिए, समझदारी से लेने वाला। और बड़े भाई जैसे साजिद सर उसको समझदारी से लेते बिठाते, एमसी स्टैंड अब्दू उससे मस्ती करता हूँ। एमसी स्टैंड से काफी अच्छी दोस्ती है, जो मराठी आपको कैसा लगता अगर एमसी स्टैंड आपको कैसे लगते उनकी गेम? नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा है लड़का, 21 साल का लड़का है तो ये चलता ही रहता है। प्रियंका ने भी उनको काफी कुछ कहा था, प्रियंका कुछ भी बोल सकती, सोच है अपनी अपनी। हाँ। ये तो अपन इसके बारे में नहीं बोल सकते ना। और जो विकास आए थे उनकी जो पत्नी थी तो उसकी भी काफी बड़ा आरोप लगाया। हाँ तो वो जब आया था विकास तो वो शिव को भगाने के लिए आया था, उसका कौन सा चेहरा है तो क्या खुला करने आया था, पर वो तो खुला तो नहीं किया, वो झक के चला गया। तो उसको शिव का कुछ ना कुछ करना था, उसने इसीलिए चोरी का आरोप लगाया। शिव का गेम जैसे अपने अभी तक देखा विकास जिस मोटिव से आए थे उसको टच करने के या फिर किसी तरह से पिन करने के मोटिव से आए थे उस कार में तो सफल नहीं हो पाया, इसीलिए तो वो आरोप लगाया उसने। शिव मैंने कौन सा स्पष्टीकरण कि जिस वक्त उनकी नोक जो होती थी जब विकास से या फिर जो चीजें वो मंडली के अंदर रह के करते थे कहीं ना कहीं उसमें ग्रुपिज्म दिखता, फिर एक तरफ बोलते हैं कि मंडली है, मंडली नहीं है वो मस्ती करने के लिए, वो परिवार है, उसको ये समझता है कि वो परिवार है, सब परिवार है, प्रियंका भी आ गई इसमें, पर उसको जिसके साथ पट्टा मजाक मस्ती करता पर टास्क के टाइम टास्क खेलता, कुछ किसी की सुनता नहीं, किसी को अलग सलाह भी देते नहीं कोई। पूरे लोग एक-एक करके वो सबने टारगेट किया, पहले हम किसको निकाला गया उसी बाद विकास को और प्रियंका को सब लोग टारगेट कर रहे, तो ये तो एक तरह से एक जो तो जिसके शिव का कोई यही नहीं ना, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं है ना, जिसको निकालना है वो निकालेंगे और जो जो हो गया सब जिसको निकालना है तो निकाल। तो वो भी पोस्टर लगा है ना हमारे घर में खतरों के खिलाड़ी का, उसके भी नमाज पढ़ता वो उसे हिंदी बिग बॉस का लिखा है, हिंदी बिग बॉस करते करते उसका मराठी भी नंबर लग गया है, तो बहुत 6-7 साल से चालू है उसका, बाद में खतरों के खिलाड़ी के पोस्टर लगे है हमारे घर में, उसको भी नमाज पढ़ता, तो उसको ये होने के बाद ही मिल गए ना वो। तो क्या लगता है अगर खतरों के खिलाड़ी के लिए आप उनको अलाउ करेंगे या फिर कहेंगे कि थोड़े टाइम रुक जा अब फिर, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी आपको मैं बता दूं कि हमारे देश में नहीं होता है, विदेश में होता है,
वहाँ जाना है, वहाँ 2-3 महीने, 3 महीने ऑलरेडी वो नहीं, 1 महीने का रहता हूँ, 2-3 डेढ़ महीने, 1.5 महीने, 3 महीने ऑलरेडी उस घर पे है, 4 महीने हो जाएगा टोटल। तो आप किस तरह से उनको सजेस्ट करोगे कि क्या कुछ कहोगे अगर खतरों के खिलाड़ी का ऑफर आता है? नहीं, उसकी जाने की इच्छा हो गई तो वो पूरी हो गई तो वो जाएगा, अनु वो जिद्दी है तो मैं काय को रुकूँ उसको, जाने दो, उसकी हिम्मत से खेलेगा वो। शिव जी जब बाहर आएगी क्या लगता है उनका मेन फोकस किस पे रहेगा, रियलिटी शोज पे रहेगा कि मूवीज या फिर टीवी, कि किस पे उनकी दिलचस्पी, हिंदी मूवी का कभी रियलिटी शो तो करता ही हो, पर मूवी में ज़्यादा ये है इसका, सीरियल में कम है। सीरियल में कैसे 2-3 साल बांध के रखते हैं रस्सी से, तो वो उसको चलता नहीं है, तो मूवी बाद में करेंगे, आदि 2-3 मूवी इसके हाथ में आए तो धीरे धीरे। नहीं तो मेरे को तो पता नहीं, ये बातें नहीं बताता वो मेरे को, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं बताता। कभी उन्होंने बताया कि किस किसके जैसा उनको कौन पसंद है, हिंदी मूवी या फिर मराठी मूवी? हम हिंदी में भी, हिंदी मराठी, जैसे रितेश जी है, रितेश देशमुख, हिंदी भी करते हैं मराठी भी करते हैं, दोनों भाषा में ऐसा ही है उसका। उन्होंने कभी आपसे जिक्र किया ना? हिंदी भी करता हो, हिंदी में ज़्यादा जोर है उसका, मराठी में भी है, तो मराठी नहीं मिला तो हिंदी नहीं मिला तो मराठी, तो वो मांजरेकर ने दिया था उसको, तो दौड़े साथ कौन सा है, तो चालू हो गया तो लिया नहीं, तो इसीलिए तो पहले से वो हिंदी में ही ट्राई कर रहा था, पर उसको हिंदी मिल गया तो हिंदी मिलेगा ही, मूवी भी मिलेगा। ठीक है, दो और एक सवाल, दो सवाल मैं आखिरी पूछूंगा, अगर शिव को हटा दो, शिव के अलावा आपके टॉप 3 कंटेस्टेंट या फिर टॉप 4 कंटेस्टेंट कौन से हो? है प्रियंका, निमरित, सुम्बुल, एमसी स्टैंड, ये 4 आपने बताए, और इसमें शिव को भी ऐड करना चाहोगे तो आप कर सकते हो, क्या लगता है? शिव तो है, वन में शिव है ना, वन में शिव है, बाकी बाद में है, एक ज्यादा हो गया तो आएगा, जो 6 तो रहती ना आखिरी, तुमने 4 पूछा मेरे को, मैंने 4 पूछा, तो मैंने एक ज्यादा बताया, करेक्ट है, वन नंबर पे तो शिव रहेगा। बट आपको क्या लगता है शिव ट्रॉफी नहीं जीतते तो कौन से 2 खिलाड़ी है उस लिस्ट में शिव के बाद टॉप ट्रॉफी हाथ में लेने के लिए? ये तो शिव के बाद नहीं बोल सकती मैं, कोई भी एमसी स्टैंड है जो काफी अब्दू है, काफी कमाल का खेल रहे, वो भी एमसी स्टैंड भी जीत सकता है, प्रियंका भी जीत सकता है, पर पहले एमसी स्टैंड है, पहले एमसी स्टैंड, अब्बू भी जीत सकता है। क्या लगता है शिव के बगल में सलमान खान बीच में रहते हैं, शिव इस तरफ है, उनके इस तरफ कौन, आपको क्या लगता है कौन फोकस है आपका, ये हो सकते हैं शिव का हाथ उठाते, एक फाइनल में होता है कि सलमान जी बीच में रहते, एक खिलाड़ी इस तरफ रहते और एक और खिलाड़ी लेफ्ट में, तो मैं दूसरा नाम तो नहीं बता सकती, तो निमरित भी आ सकती, सुम्बुल भी आ सकती, बाहर के हिसाब से, बाहर के हिसाब से अब्दू भी आ सकता, प्रियंका भी आ सकती, वन नंबर पे शिव रहेगा, एमसी स्टैंड भी आ सकता, 2 नंबर पे तो एमसी स्टैंड है शिव के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका, हो गए। एक और है बस।